नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साहिबगंज के हाई प्रोफाइल 1250 करोड़ के अवैध खनन के मामले में सीबीआई फिर से एक्शन में है। सीबीआई की 6 सदस्य टीम नंडरो अंचल के सिमरिया मौजा पहुंची, जहां नींबू पहाड़ खदान की मापी की गई और इस दौरान एक पत्थर व्यवसायी से पूछताछ की भी खबर है। माना जा रहा है कि सीबीआई की जांच अंतिम दौर में है और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इसमें जल्द हो सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में हुए 1250 करोड़ के अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी के साथ साथ सीबीआई की कार्रवाई भी जारी है। इस बीच साहिबगंज में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री हुई है। सीबीआई की 6 सदस्य टीम मंडरो अंचल के सिमरिया मोजा पहुंची, जहां पत्थरों की परिवहन और खदानों की जांच की गई। कुछ दिन पहले ही सीबीआई की टीम ने साहिबगंज डीएमओ से कुछ कागजातों की मांग की थी, जिसे विभाग की ओर से टीम को मुहैया भी कराया गया। कागजातों की पड़ताल के बाद सीबीआई अधिकारियों ने खदानों की दोबारा मापी की। इस दौरान एक पत्थर व्यवसायी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। फिर से एक्शन में सीबीआई। अवैध पत्थर खनन मामले में फिर पहुंची सीबीआई की टीम। मंडरो अंचल के सिमरिया मोजा में टीम ने की खदान की मापी। एक पत्थर व्यवसायी को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। सिमरिया मोजा के नींबू पहाड़ में अवैध खनन से जुड़ा है मामला। अब तक पड़ताल में बड़ी बातें आई है सामने। 2016 से ही सिमरिया मोजा के नींबू पहाड़ में जारी है अवैध खनन। दूसरे हिस्से में जून 2021 से अवैध खनन शुरू किया गया। अब तक 5 लाख क्यूबिक घन मीटर पत्थर के अवैध खनन की बात आई सामने। जीरवाबाड़ी थाना में पूर्व में इस मामले में दो दो प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। सूत्रों की माने तो 2016 से पिंटू यादव उर्फ अभय यादव पर अवैध खनन का आरोप है। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके करीबियों पर अवैध खनन का आरोप है। पंकज मिश्रा सहित कई बड़े आरोपियों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि अवैध खनन मामले में मुकाम पर पहुंच चुकी है सीबीआई की जांच। जल्द ही कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है सीबीआई। सीबीआई टीम के अधिकारियों ने कहा कि 2016 में जहां अवैध खनन किया गया, उस खदान में अभी पानी होने के कारण मापी में परेशानी हो रही है। यह तो पूरे घोटाले का एक अध्याय भर है, लेकिन ईडी और सीबीआई पूरे खेल का ही एक एक कर सिरा ढूंढ रही है। साहिबगंज के अवैध खनन का मामला हाई प्रोफाइल है। पूर्व सीएम के करीबियों के गर्दन फंसे हुए हैं। विपक्ष हेमंत सोरेन को मास्टरमाइंड बताता रहा है। यही वजह है कि जब मामले का खुलासा हुआ तो राजनीति की राजनीति हिल गई थी और उसका असर दिल्ली तक देखा गया। TV45 के लिए साहिबगंज से गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद ठाकुर हमारे साथ बने हुए। गोविंद, साहिबगंज में एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री हुई है, जहां हाई प्रोफाइल 1250 करोड़ के अवैध खनन के मामले में सीबीआई एक्शन में नजर आई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जिस साहिबगंज जिले में जो है सीबीआई की फिर कार्रवाई हो रही है। आपको बताते चले कि जो है साहिबगंज जिले में 1250 करोड़ की अवैध खनन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की 6 सदस्य टीम साहिबगंज पहुंची। वहीं साहिबगंज पहुंचकर सीबीआई की टीम मांडरो अंचल क्षेत्र पर स्थित सिमरिया मोजा पर पहुंचकर पत्थर खदान व परिवहन सहित कई जरूरी दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद सीबीआई की टीम साहिबगंज के डीएमओ ऑफिस पहुंचकर जो है कागजातों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ इससे पहले भी सीबीआई की टीम ने जो है साहिबगंज डीएमओ से कई विशेष कागजातों की मांग की थी, जिसके बाद डीएमओ जो है संबंधित कागजात जो है सीबीआई को सुपुर्द कर दिया था। उसी कागजातों के आधार पर जो है सीबीआई की टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। जी देखिए गोविंद, जिस तरीके की खबर निकल कर सामने आई कि एक पत्थर व्यवसायी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, क्या कुछ पूछताछ में निकल कर सामने आया, किसी क्या लग रहा है कि क्योंकि देखिए ये मामला काफी बड़ा है। ये अमाउंट जो हाई प्रोफाइल जो अमाउंट बताया जा रहा है कि 1250 करोड़ के अवैध खनन का ये मामला जुड़ा हुआ है, तो क्या पूछताछ में कुछ निकल कर सामने आया, किसी और के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं? हालांकि आज अहले सुबह सीबीआई की टीम जो है सिमरिया मोजा पर स्थित नींबू पहाड़ में हुए अवैध खनन की जांच करने पहुंची थी। वहां पर सीबीआई की टीम जो है सुबह से जो है खदानों को जो है ड्रोन से नाफिक कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां से एक पत्थर व्यवसायी को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है और उस पत्थर व्यवसायी से सीबीआई की टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद क्या खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी अंकिता,
देखिए गोविंद, अगर हम बात करें तो पंकज मिश्रा जो कि अभी फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ी है और वो रिम्स में भर्ती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी एक समय हो गया है जेल में रहते हुए, तो पंकज मिश्रा भी इसी मामले में जेल में अंदर बंद है। तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि अब सीबीआई एक्शन जो लगातार नजर आ रहे हैं कि सीबीआई की एंट्री होती है साहिबगंज में, एक बार फिर से जो जांच जो है वो और तेजी से आती है, तो ऐसे में क्या कोई और हाई प्रोफाइल किसी नाम की आशंका है कि पुलिस सीबीआई कुछ ऐसे नाम का भी खुलासा कर सकती है जो काफी एक बड़े नाम हो? देखिए जो अंकिता, साहिबगंज जिले की अगर हम बात करें तो सीबीआई की टीम साहिबगंज में जो है बहुत पहले से ही जो अवैध खनन की जांच कर रही है, और अवैध खनन के से जुड़े मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा जो बरहेट के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, उससे सहित जो है उनके जो सहयोगी हैं, अगर हम बच्चू यादव की बात करें, दाहू यादव की बात करें, तो कई ऐसे उनके सहयोगी हैं जो अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद है। हालांकि जो है सीबीआई की टीम उन तमाम कड़ी को जोड़ करके जांच कर रही है, और सीबीआई की टीम ने जो है साहिबगंज में हुए अवैध खनन से जुड़े लोगों की एक चार्जशीट तैयार किया है। हालांकि उस चार्जशीट में किसका किसका नाम है वो अभी जो है बताया नहीं जा सकता है, लेकिन सीबीआई की टीम फिलहाल साहिबगंज में जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, और सीबीआई की कार्रवाई से साहिबगंज जिले की अगर हम पत्थर व्यवसायी की बात करें तो खलबली मची हुई। जी जी गोविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि साहिबगंज में एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री हुई है। दरअसल 1,250 करोड़ के अवैध खनन के मामले में सीबीआई एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रही है। ये वही अवैध खनन का मामला है जिसमें पंकज मिश्रा जेल में बंद है, हालांकि उनकी तबियत बिगड़ी है, उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन ये मामला जो है एक बार फिर से तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आई कि एक पत्थर व्यवसायी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, तो अब देखने वाली बात होगी कि अब पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ अन्य लोगों पर भी गाज गिरती है या फिर नहीं।